नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत राजधानी पटना से करेंगे। 31वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन राजधानी पटना के अधिवेशन भवन में किया गया। इस मौके पर पटना प्रमंडलीय आयुक्त सह परिवहन सचिव संजय अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। पिछले 6 महीनों ये दुर्घटनाओं में कमी आई। सितम्बर में जहाँ 10% हम लोग पिछले 6 महीने में देखे तो 3% की कमी दर्ज। मुंगेर जिला के संग्रामपुर प्रखंड में पंचायत सरकार भवन में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर नव युवक सेवा संघ के संस्थापक समाज सेवी राजेश कुमार मिश्रा ने लोगों को संबोधन में कहा कि अधिक ठंड को देखते हुए कंबल का वितरण किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर कुल 51 लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। रीना देवी स्वर्गीय भोला मंडल, रीना देवी है, सुमा देवी स्वर्गीय तापो मंडल। अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड में दीन दहाड़े दो बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने थाना के समीप एक व्यवसायी को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। समस्तीपुर जिले के चकमहसी थाना क्षेत्र से एक घटना सामने आई है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि रंजन कुमार नामक युवक को काम के बहाने घर से बाहर ले जाकर अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन मृतक के पिता को सड़क दुर्घटना में मौत की सूचना दी गई। वहीं ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि अस्पताल में जबरदस्ती फर्द बयान लेकर हत्या को सड़क दुर्घटना का रूप दे दिया गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने कल्याणपुर पूसा मुख्य पथ को जाम कर जमकर हंगामा किया। हमको 1:30 बजे सूचना मिला है। आप पहुँचे कितने बजे? हम 4 बजे पहुँचे। तब तक पोस्टमार्टम वगैरह हो चुका था? नहीं, आपके सामने पोस्टमार्टम हुआ। हाँ। और फिर आप बॉडी लेकर के चले यहाँ स्थानीय थाना को सूचना दी है? हाँ, सूचना मिल गया है। तो क्या बोले हैं? आगामी 19 जनवरी को जल जीवन हरियाली को लेकर बनने वाली मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए फारबिसगंज प्रखंड मुख्यालय कार्यालय प्रांगण में जिला पदाधिकारी बैजनाथ यादव की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मानव श्रृंखला की तैयारी पर चर्चा की गई। क्यों? क्योंकि हमने इतना दोहन किया निश्चिंत होकर कि आज हमको सामना करना पड़ रहा है। और हवाई अड्डा से खवासपुर तक जो पूर्व के रूट रहे, अब फाइनली हम लोगों ने जो 9 हमारा रूट। मुंगेर के भीम बांध पर 13 विभागों के 795 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर संग्रहालय में 6 जिलों के आला अधिकारियों के साथ जल जीवन हरियाली मिशन को लेकर बैठक किया। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी मौजूद रहे। मोतिहारी के पकड़ी दयाल अनुमंडल सभागार में मानव श्रृंखला को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला अधिकारी रमन कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं बच्चों ने स्वागत गान गाकर जिला अधिकारी का स्वागत किया। पकड़ी दयाल अनुमंडल परिसर सभागार में जिला अधिकारी रमन कुमार ने निर्वाचन सूची और जल जीवन हरियाली विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित किया। हम सब प्रकृति के बनाए हुए, ईश्वर अल्लाह के बनाए हुए इंसान हैं और हमें कोई भेद नहीं है। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना का क्रियान्वयन इस समय हो रहा है, हर घर नल का जल। और इस संदर्भ में लगातार हम लोगों ने रिव्यू किया है, बहुत सारे वार्डों में इस काम को पूरा कराया गया है। इस क्रम में यह भी सूचना मिलती है कि कहीं कहीं कुछ अनियमितताओं का, गड़बड़ियों का, तो जहाँ कहीं भी स्पेसिफिक रिपोर्ट मिलता है या रेगुलर इंस्पेक्शन के क्रम में
गड़बड़ियां पाई जाती हैं तो उन मामलों में कठोर कार्रवाई की जाती है। जिले में कई ऐसे मामले हैं जिसमें कानूनी कार्रवाई की गई है, प्राथमिकी दर्ज की गई है और अनुशासनिक कार्रवाई की गई है और जो गलतियां की गई हैं उसको सुधारने का भी हिदायत दिया गया है। गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र के डुमरिया मोड़ से अज्ञात हथियारबंद लुटेरों ने हथियार के बल पर ट्रक के चालक और खलासी को अपहरण करते हुए ट्रक को गायब कर दिया। लुटेरों ने चालक और खलासी को झारखंड के जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। वही घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी राजीव कुमार मिश्रा इमामगंज थाना पहुंचकर घटना की जानकारी ली। इस संबंध में एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा कि मामले को लेकर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वो एक से डेढ़ के बीच में मतलब वो लोग आया था रात में उसी के बीच में गेट ठुकठुकाया तो बोला हम थाना प्रभारी हैं, गेट खोलो। खोल दिए गेट को, उसके बाद वो लोग अपना जैसे जो प्रक्रिया होता है वो अपना चालू कर दिया। उसके बाद उतार के नीचे ले गया गड़िया में, आगे मेरा गाड़ी खड़ा था थोड़ा, उसको भी उतारा, उसको भी ले गया। चारों को हम लोग ले जाकर गाड़ी में बैठाया। वो लोग तीन आदमी था, दो आदमी वहीं रह गया गाड़ी के पास, ड्राइवर था उन लोग का। जैसे कि हम लोग गाड़ी में सोए हुए थे तो हम लोग आया बोलेरो से, और कौन था मतलब कोई थे मतलब हम लोग जब गेट ठुकरा है तो बोले कि हम प्रशासन वाले हैं। हम लोग गेट खोले, फट से मतलब भिड़ा दिए उतार के और अपना बोलेरो में बैठा लिए। और उसके बाद हम लोग को मुँह में साल ये करके बांध के बैठा के और लेके चले गए। कितना उधर गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में डुमरिया मोड़ के पास शातिर चोरों ने एक मोबाइल दुकान में संधमारी कर लाखों रुपए के स्मार्टफोन और अन्य सामान भी चुरा लेकर भाग गए। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से चोरों को पकड़ने में जुटी है। मामले को लेकर जिला SSP राजीव मिश्रा ने कहा कि चोरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दिन के बाद इस दिन भी रात को दुकान बढ़ा के घर गए। आज सुबह हमें कुछ जरूरी काम था, इस वजह से हम सुबह 8 बजे दुकान पे आ गए हैं। किसी को सामान लेना था, जब दुकान का सेटर उठाया तो देख रहे हैं कि सेटर का ताला कटा हुआ है, नीचे से जो पटरा है ना वो कटा हुआ है। तो हम सोचे कि हो सकता है कि चुहा हुआ काटा होगा, पर जब चेक की ओर नज़र उठा के देख रहे हैं तो मेरा दुकान में समथिंग 3 से 3.5 लाख के बीच वीवो और ये Redmi का माल था। और 4 दिन पहले ही हम अभी गया से माल लेकर आए थे, उसमें करीब 2,60,000 समथिंग माल था, जिसमें सब मिला के समथिंग 5 लाख के लगभग मेरा सामान चोरी हुआ। जो छोटा छोटा पार्ट था वो अभी नहीं ले गया, बड़ा बड़ा जो पार्ट था फोल्डर आया था सबका मेरे पास बिल है, सारा का रसीद है। 5 लाख के समथिंग में चोरी हुआ है और यही सब है। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर पूरे भारत वर्ष में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में अररिया जिले में भी कई कार्यक्रम कर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। सड़क दुर्घटना में कमी लाने के उद्देश्य से अररिया के सभा भवन के समीप से जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह वाहन जिले के विभिन्न प्रखंडों में जाकर लोगों को जागरूक करेगा ताकि सड़क दुर्घटना में कमी आ सके। सुरक्षा को लेकर के एक सप्ताह का कार्यक्रम जो है पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज हुई है, जिसका उद्घाटन आज हमारे जिले के गार्जियन जिला पदाधिकारी महोदय ने किया। इसमें विभिन्न बिंदुओं पर मैंने चर्चा की गई और इस पर जो है सड़क सुरक्षा को कैसे कारगर बनाया जाए और सड़क दुर्घटनाओं में किस तरह से कमी लाई जाए, इसके लिए क्या क्या कारगर उपाय किए जाए, इन सब बातों की को बेहतर रूप से बताया गया। और इसमें हमारे जनप्रतिनिधि भी दिशा में थे, जिला के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के भवानीपुर देशरी पंचायत के एक गांव में दो युवतियों की जमकर पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि 4 दिन पूर्व एक साथ दो युवतियां रजौन शादी करने के नियत से फरार हो गई थी। दोनों 8 जनवरी को खुद वापस घर लौट आई। घर लौटते ही दोनों युवतियों से परिजनों ने पूछताछ के दौरान एक साथ डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। एक कोना पकड़ दी, कोना पकड़ ली, एक कोना पकड़ ली। सर्वेश, वक्त सर्वेश यार, ये सब चीज हमको पसंद नहीं है यार।
अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।